हमारे देश में हिंदू होने की सजा किसी को कैसे मिल सकती है? किसी किसी मुल्क में हिंदू होना सबसे बड़ा पाप है। ये बात हिंदुस्तानियों को कहां समझ में आएगी? यहां तो हर तरीके की आजादी होने के बाद भी आजादी के नारे लगते हैं। यार मुझे क्या पता कितना टाइम लगेगा। एक तो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, दिमाग खराब करा तू यार। ना यहाँ पे कोई आदमी दिख रहा है, ना कोई गैराज दिख रही है। मुझे क्या पता कितना टाइम लगेगा गाड़ी ठीक होने में, और कहाँ ढूंढू मैं मैकेनिक को? मुझसे मत पूछ यार। एक सेकेंड रुकियो। हेलो भैया, एक मिनट कॉल करता हूँ। हाँ बताइए। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कोई मैकेनिक या कोई आसपास गैराज है क्या? हाँ ये पास में हमारा एक गैराज है, तो आप वहाँ पे चलकर बाइक ठीक करा सकते हैं। अच्छा आपका ही है यार, अगर आप उधर ही जा रहे हो तो यार थोड़ा धक्का लगा दो, जल्दी पहुँच जाएंगे। ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है। नहीं चलिए धक्का लगाते। आपका नाम क्या वैसे भैया? भैया मेरा नाम शंकर है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो दीप है। वैसे कितने साल से आपका गैराज? भैया हमें 8 साल हो चुके हैं यहाँ। अच्छा बढ़िया, चलो गैराज से ही हमारा घर बार चल जाता है, तो ला लेते हैं। बहुत बढ़िया, बस 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 यहीं पर रुक दीजिए भाई साहब। ये हमारा है छोटा सा गैराज, और ये हमारे बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी देखिए भाई साहब का थोड़ा बाइक खराब हो गया। बैठ जा शंकर, तू आराम कर ले। क्या हो गया भाई साहब? पता नहीं बंद हो गई है, चालू नहीं हो रही। अच्छा आप बैठ जाइए, मैं चेक करता हूँ। ये गाड़ी आपकी बार बार बंद हो रही है क्या? हाँ कई बार बंद हुई है आज। गर्मियों में थोड़ा ओवरहीट की वजह से इसका एयर फिल्टर खराब हो जाता है, चेंज करवाना पड़ेगा उसको। हाँ तो कर दो ना यार जल्दी से, इतना क्या सोच रहे हो? अरे जनाब हम लोग की छोटी सी दुकान है, पंचर वंचर बनाते हैं, एयर फिल्टर नहीं मिलता हमारे यहाँ। एक काम करिए, आगे वहाँ पर एक मार्केट है, वहाँ पर एयर फिल्टर मिल जाएगा, मैं चेंज कर दूंगा आपका। मैं अभी जा ही रहा था वहाँ पर, आपका भी लेते आता हूँ। तब तक आप यहाँ तसल्ली से आराम करें। ठीक है ले आइए, मैं थोड़ा सामान लेके आता हूँ, दुकान का ध्यान रखना। अंकल मैं भी आ रहा हूं। अरे अंकल जी रुकिए ना। आइए आप भी आ गए। हाँ जी हाँ जी। अरे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछिए, हम लोग क्यों बुरा मानेंगे। और जैसे आपके पैरों में दिक्कत लग रही है, तो ये बचपन से कोई बीमारी है, कभी एक्सीडेंट करा लिया आप? ये जो हमारे पैर की जो तकलीफ है ना, ये बचपन की बीमारी की वजह से नहीं, ना ही किसी एक्सीडेंट की वजह से। ये हमें कभी हिंदू होने की सजा मिली है, बस उसी को भुगत रहे हैं। हमारे देश में हिंदू होने की सजा किसी को कैसे मिल सकती है? क्या है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरीके से नहीं होती। किसी किसी मुल्क में हिंदू होना सबसे बड़ा पाप है। हम लोग पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी, पर यह बात हिंदुस्तानियों को कहां समझ में आएगी। यहां तो हर तरीके की आजादी होने के बाद भी आजादी के नारे लगते हैं। कभी हमसे पूछिए आजादी का असली मतलब क्या होता है। तो बताइए ना, अपनी कहानी सुना दीजिए, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। आप हमारी कहानियां तो टाइम पास के लिए बची हैं। मीडिया वाले, सरकार वाले सब हमारी कहानियों को सुनते तो हैं, पर कोई भी कुछ करता नहीं, सब भूल जाते हैं। मेरा नाम गोविंद है, मैं पाकिस्तान के सिंध में रहा करता था। फलों का अपना छोटा सा कारोबार था,
घर था, बीवी बच्चे थे, पर कहते हैं ना कि किस्मत और वक्त कभी भी बदल जाते हैं। मुझे आज भी याद है दिवाली का दिन था, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा घर में दिवाली की तैयारी कर रहे थे, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले थे। तभी वो जो पड़ोसी जिनको हम अपना भाई समझते थे, उन लोगों ने मेरे घर पे हमला कर दिया। जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा कि हम काफिर हैं। काफिर? हमारा जन्म उसी मुल्क में होगा, हमने वहां पर खून पसीना दिया, पर अचानक से हम काफिर हो गए। मेरे बेटे को मारा, मेरी पत्नी के साथ ना जाने क्या क्या किया। घर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी की लाश पड़ी है। दुकान आ गई, सामान आपका यहीं से मिल जाएगा, आइए ले लेते हैं। कैसे हैं भैया, ठीक हैं? बस आपका ये सामान मिल गया, बस आपकी गाड़ी अब तुरंत ठीक हो जाएगी, इसी की दिक्कत थी बस। अच्छा अंकल जी, एक बात बताइए। हाँ पूछिए। पाकिस्तान में पुलिस है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने अभी कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट करते क्या पता आपको जस्टिस मिल जाती। साहब, जंगल राज में इंसाफ नहीं मिलता। गया था मैं भी कंप्लेंट करने, क्या मिला? ये टूटी हुई टांग, लंगड़ा बना दिया उस कंप्लेंट ने मुझे। कंप्लेन से कंप्लेन कर देगा तो हम डर जाएंगे, हम भाग जाएंगे। पाकिस्तान, हम पाक लोगों का मुल्क है, तो जैसे काफिर का नहीं। तुम यहाँ पर मूर्ति पूजा करोगे, जानवरों की पूजा करोगे, तो हम देखते रहेंगे, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे? भाईजान, ये हमारा भी तो मुल्क है भाईजान, आप हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा मुल्क? नहीं पापा। जैसे तेरे औरत के साथ किया था ना, वैसे ही तेरे बेटे के साथ करूंगा, देख उसे, देख। ये जमीन और ये तेरा घर, वो सब अब हमारा है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे? भाई साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात बता दोस्त, खुशी अब भारत में रहते हो, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? हाँ वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, बस हमारा एक टूटा फूटा मकान है, उसमें खाने के लिए खाना नहीं है, बिजली उधर आती नहीं है, टॉयलेट हमारे पास है नहीं, और इसी के साथ हमारे पास नागरिकता नहीं है, तो हमारे बच्चों को कोई पढ़ाता भी नहीं है, ना स्कूल ना कॉलेज, कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता। हम भी इधर छोटा मोटा काम करके कैसे भी चला लेते हैं, पर हमें कोई नौकरी भी नहीं देता। नौकरी क्यों नहीं देता? क्योंकि हम सबके पास नागरिकता ही नहीं है, हम बहुत सालों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं रहा, पर फिर भी हमारे लिए यहाँ बहुत सुकून है, कम से कम कोई इधर काफिर कह के तो नहीं मारता हमें। हो गई आपकी गाड़ी? जी मैं आता हूँ। एक बार आप भी चेक कर लीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एयर फिल्टर की दिक्कत थी बस। ओके थैंक यू सो मच, मैं लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ
अच्छा बाबा सुनिए, एक बात पूछूं आपसे। आप पाकिस्तान में भी रहे हैं, आप भारत में भी रहते हो, दोनों जगह आपको क्या महसूस होता है? पाकिस्तान से हम लोगों को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि हम लोग हिंदू थे। भारत शायद हमें अपना नहीं रहा है क्योंकि हम लोग रिफ्यूजी हिंदू हैं। अब इन्हीं दोनों के बीच में मैं अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा हूँ। कीड़े मकोड़े सर, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हमारे पास बहुत दिक्कत है। हमारे को 5 साल हो गया, हम यहीं बैठे हैं। हमारे गैस सिलेंडर नहीं है, लकड़ी लेने जाते हैं, सांप काटते हैं, हमारे को मच्छर काटते हैं। कोई इलाज के पैसे नहीं है, कोई इलाज नहीं करवाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, हमारे खेस नहीं उठाते हैं। कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई बातें नहीं, क्या करें अभी? गरीब आदमी किधर जाए? उधर भी छोड़ के आए, उधर भी, इधर भी धिक्के मिल रहे। अरे तो एक छोटी सी प्रयास हमारा द रिफ्यूजी हिंदू काफ़ी समय से बनाना चाह रहे थे, आप लोगों को दिखाना चाहते थे। इस फिल्म का मकसद ये नहीं था कि हम किसी कम्युनिटी को नीचा दिखा रहे हैं, बुरा दिखा रहे हैं, बल्कि जिनके ऊपर बीती है, जिन लोगों के ऊपर बीती है, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। एक अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास था कि सोसाइटी में एक हिंदू कस्बा ऐसा भी है जो सफ़र कर रहा है, जिनको कोई पूछता भी नहीं है, ना उनके देश वाले ना हमारे देश वाले। तो प्लीज़ इनके ऊपर भी बात की जाए। आपको हमारा मिशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा। प्लीज़ एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए सोसाइटी में। और आप हमें फाइनेंशियली डोनेट करके पैसा देके भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम ऐसी शॉर्ट फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। आप बताइए किस सब्जेक्ट पे और देखना चाहते हैं फिल्में। अगर आप सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जाइए सोसाइटी में, इन लोगों के पास, इन लोगों से मिलिए, इनके साथ समय बिताइए, ये भी बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।